हाई फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। आज मैं एक इंटरेस्टिंग जर्नी शेयर करूंगा अबाउट एयर ट्रांसपोर्ट एंड सिविल एविएशन, कि इसका ओरिजिन एंड हिस्ट्री क्या है, क्या क्या चैलेंजेस आए और कैसे ये टाइम के साथ ग्रो हुआ। तो आइए देखते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हमेशा से किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट में एक मेजर रोल प्ले करता आया है। इवन आप ह्यूमन सिविलाइजेशन की हिस्ट्री देखोगे, उस समय भी आज की तरह ये डे टू डे लाइफ का बेसिक नीड था। लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी न किसी मीडियम का यूज़ करते थे, दैट इज लैंड और वाटर, क्योंकि यही टू मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट अवेलेबल थे टू कनेक्ट विथ ईच अदर फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रैवलिंग एंड अदर थिंग्स के लिए। बट जैसे जैसे हर चीज़ में एडवांसमेंट होता गया, एक थर्ड मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट भी पिक्चर में आया फ्रॉम नेचर इट्सेल्फ, जब इंसान ने एयर को भी कॉन्क्वायर करने का सोचा और कुछ इंटेलेक्चुअल लोगों ने बर्ड्स को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से ऑब्जर्व करना शुरू किया कि यार ये कैसे फ्लाई करते हैं, कैसे सोर एंड ग्लाइड करते हैं विदाउट इवन फ्लैपिंग देयर विंग्स, और अगर हम भी इनकी तरह विंग्स या कुछ ऐसी चीज़ डिज़ाइन कर लें तो शायद हम भी एक दिन फ्लाई कर सकते हैं। ये थॉट, दैट इज़ डिज़ायर टू फ्लाई इन द स्काई, अपने आप में एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन था, क्योंकि ये कम्प्लीटली न्यू डोमेन था और अनएक्सप्लोर्ड था। बट इस थॉट को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना ऑब्वियसली इतना आसान नहीं था बिकॉज ऑफ लिमिटेड रिसोर्स एंड नॉलेज। इसीलिए हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स तक डिफरेंट लोगों ने अपनी अपनी थ्योरी एंड डिज़ाइन डेवलप की, एक्सपेरिमेंट किए, बट ग्राउंड लेवल पे कोई भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया, कोई भी ऐसी चीज़ बिल्ड नहीं कर पाया जिससे इंसान फ्लाई कर सके। देन इसके बाद बिटवीन 17th to 19th century काफ़ी सारे इम्पॉर्टेंट रिसर्च एंड इन्वेंशन हुए जो फ्यूचर ट्रांसपोर्ट सिस्टम का पूरी तरह से नक्शा बदलने वाले थे। इसमें पहला था हॉट एयर बलून, जिसे 1783 में इन्वेंट किया गया था बाय टू फ्रेंच ब्रदर्स, जोसेफ मिशेल एंड जैक एटियन। इनका पेपर मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस था और एज अ हॉबी ये हमेशा कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहते थे। एक दिन इन्होंने डिस्कवर किया कि हीटेड एयर को कलेक्टिवली किसी थिन एंड लाइटवेट बैग में फिल किया जाए, देन इट क्रिएट्स लिफ्ट एंड द बैग राइज अप इन द एयर। एंड इसके पीछे रीजन था बॉयंसी, जो आपने आर्किमिडीज प्रिंसिपल में पढ़ा होगा। एंड इसी कॉन्सेप्ट को इन्होंने बड़े स्केल में इम्प्लीमेंट किया और सक्सेसफुल रहे। यहीं से लाइटर देन एयर एयरक्राफ्ट का एरा शुरू हो गया और ये इतना कॉमन हो चुका था कि फ्रेंच पुलिस को 1784 में फर्स्ट एयर लॉ भी इशू करना पड़ा टू रेगुलेट बलून फ्लाइंग, ताकि कोई अनसेफ ऑपरेशन या एक्सपेरिमेंट ना हो। इसके बाद ब्रिटिश, अमेरिकन्स, रशियंस, इटालियंस सभी ने फ्रेंच ब्रदर्स को ज्वाइन किया और इसकी मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी फॉर एडवेंचर एक्टिविटीज़, एक्सपेरिमेंट्स एंड मिलिट्री पर्पस। बट इसमें एक मेजर लिमिटेशन ये था कि एक बार एयर कूल होने के बाद यू आर फोर्स टू डिसेंट, तो ये काफ़ी रिस्की था, स्पेशली एट हाई अल्टीट्यूड, एंड एयर को कंटिन्यूसली हीट करने के लिए ऑन बोर्ड फायर की ज़रूरत थी। बट ये भी रिस्की था क्योंकि फायर स्पार्क से बलून जल सकता था। तो इसका सॉल्यूशन 1783 में ही एक फ्रेंच फिजिसिस्ट लेकर आए जिनका नाम था जैक चार्ल्स। इन्होंने हॉट एयर की जगह हाइड्रोजन गैस का यूज़ किया, विच इज़ लाइटर देन एयर, एंड इसका एडवांटेज ये था कि एयर को हीट करने की ज़रूरत नहीं थी एंड इससे ज़्यादा हाइट, ज़्यादा डिस्टेंस एंड लॉन्गर ड्यूरेशन तक सस्टेन किया जा सकता था। लेकिन इसके बाद भी इन सभी बलून्स में एक मेजर प्रॉब्लम था, वो था लैक ऑफ स्टीयरिंग मैकेनिज्म, मतलब नेविगेशन कम्प्लीटली विंड पे डिपेंडेंट था। तो ये सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से रिस्की था, स्पेशली स्ट्रॉन्ग विंड्स में। स्टिल कई डेकेड्स तक गैस बलून्स ही प्राइमरी मोड ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट रहा, बट नेविगेशन का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इन्वेंटर्स रिसर्च कर रहे थे। देन 1852 में फर्स्ट पावर्ड एयरशिप इन्वेंट किया गया बाय हेनरी गिफर्ड। ये बलून का ही मॉडिफाइड बिगर वर्जन था एंड लिफ्ट का प्रिंसिपल भी पहले की तरह सेम ही था, बट इसमें मेजर चेंज था स्टीम पावर्ड प्रोपेलर, जिससे नेविगेट करना पॉसिबल हो पाया। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम था कि स्टीयरिंग करना सिर्फ काम विंड्स कंडीशन में ही पॉसिबल था, प्लस बड़ा होने की वजह से ये काफ़ी हैवी था, इसीलिए फास्टली टर्न कर पाना पॉसिबल नहीं था, ना ही स्टीम इंजन इतना पावरफुल था। इसीलिए इसमें मेजर मॉडिफिकेशन लेट 18th century में ही हो पाया, जब पेट्रोल और गैसोलीन इंजन्स का इन्वेंशन हुआ, और काफ़ी सक्सेसफुल ईयर्स के बाद 1937 में एयरशिप का एरा हिंडनबर्ग क्रैश के साथ ख़त्म हो गया। देन 1853 में अनदर विजनरी जॉर्ज कैली ने
पहला मैन कैरिंग ग्लाइडर इन्वेंट किया जो हैवियर देन एयर था एंड फिक्स्ड विंग की कैटेगरी में पहला इन्वेंशन था। एंड इनके कंट्रीब्यूशन के लिए इन्हें फादर ऑफ एरोनॉटिक्स भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने अपनी पूरी लाइफ प्रिंसिपल ऑफ फ्लाइट को समझने में डिवोट किया और कॉन्सेप्ट ऑफ कैम्बर्ड एरोफॉइल, डाइहेड्रल विंग्स एंड फोर फोर्सेस ऑफ एरोडायनेमिक्स, थ्रस्ट, लिफ्ट, ड्रैग एंड वेट, इन्होंने डिस्कवर किया था कि फ्लाइंग ऑब्जेक्ट में कैसे एक्ट करते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे। एंड इन्होंने ही रिकग्नाइज किया था कि लॉन्गर ड्यूरेशन तक सस्टेन करने के लिए कोई लाइट वेट पावर सोर्स का होना ज़रूरी है। बट अनफॉर्चुनेटली इनकी डेथ हो गई और अपना काम ही कंटिन्यू नहीं कर पाए। देन इनके बाद एक और एविएशन लेजेंड आए, ऑटो लिलियनथल। ये एक इंजीनियर थे और बचपन से इनका इंटरेस्ट फ्लाइंग में था। स्पेशली ये अपने ब्रदर के साथ बर्ड्स के मूवमेंट ऑब्जर्व करते थे टू अंडरस्टैंड ऑपरेशन ऑफ विंग्स। एंड इनके रिसर्च का फाउंडेशन बर्ड्स ही था। एंड ऑन बेसिस ऑफ दैट इन्होंने 1891 में फर्स्ट सक्सेसफुल हैंग ग्लाइडर डिज़ाइन किया जो ह्यूमन को कैरी कर सके लॉन्ग डिस्टेंस तक। और इन्होंने कई तरह के ग्लाइडर डिज़ाइन किए थे, बट इसमें कोई कंट्रोल सरफेस नहीं था, इसीलिए स्टीयरिंग करने के लिए इनको बॉडी वेट का यूज़ करना पड़ता था। और इन अदर वर्ड्स, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को वो शिफ्ट करते थे इस तरह से। बट रिपीटेडली सक्सेसफुल फ्लाई करने वाले ये फर्स्ट पर्सन थे, इसीलिए इन्हें ग्लोबल अटेंशन मिला और फ्लाइंग मैन का टाइटल भी दिया गया। बट 1896 में आफ्टर कंडक्टिंग ऑलमोस्ट 2000 शॉर्ट फ्लाइट्स, एक हिल से एक्सपेरिमेंट करते हुए इनका ग्लाइडर क्रैश हो गया बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड्स। कंट्रोल ना कर पाने की वजह से अनफॉर्चुनेटली इनकी डेथ हो गई। देन 1896 में ही एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर आए, सैमुअल पी लैंगली। ये पास्ट 10 ईयर्स से डिफरेंट फ्लाइंग मॉडल्स पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और इन्होंने रियलाइज़ किया कि कंटिन्यूसली फ्लाई करने के लिए पावर सोर्स का होना बहुत ज़रूरी है। एंड इसी कॉन्सेप्ट के साथ उन्होंने फर्स्ट अनमैन्ड स्टीम पावर्ड एयरक्राफ्ट बनाया था, जिसका नाम इन्होंने एरोड्रोम रखा था। एंड इनको US कांग्रेस ने $50,000 का फंड्स भी दिया था ताकि वो और इसे अच्छे से इम्प्रूव कर पाएँ। और 1902 से 3 के बीच वर्ल्ड का फर्स्ट गैसोलीन पावर्ड एयरक्राफ्ट बनाया था विद अ पायलट ऑन बोर्ड, बट ये हैवी होने की वजह से अनसक्सेसफुल रहा और आफ्टर 2 अटेम्प्ट ये क्रैश हो गया, जिसकी वजह से इनको काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट हुआ और इन्होंने अपना वर्क कंटिन्यू नहीं किया क्योंकि फंड्स भी ख़त्म हो चुके थे। बट इनका मेन कंट्रीब्यूशन रहा ग्लाइडर में पावर प्लांट ऐड करने का। यहाँ पे मैं एक और स्टोरी ऐड करना चाहूँगा अबाउट शिवकर बापूजी तलपड़े, क्योंकि मुझे पता है आप इनके बारे में ज़रूर कमेंट करोगे, क्योंकि इनके ऊपर एक फिल्म भी बनी थी कुछ साल पहले, तो उस टाइम ये नाम काफ़ी चर्चा में आया था। बट वो मूवी कम्प्लीटली फिक्शनल थी। एंड ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने सबसे पहला अनमैन्ड एयरप्लेन बनाया था और ब्रिटिश नहीं चाहते थे कि कोई इंडियन ये पहले इन्वेंट कर पाए, इसीलिए इसे पेटेंट होने नहीं दिया। बट ये ट्रूथ है या नहीं, इसका कोई भी फैक्ट या एविडेंस नहीं है। एंड जो भी इमेजेस एंड कॉन्सेप्ट कुछ लोग शेयर कर रहे थे वो काफ़ी अनरियलिस्टिक था। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, इस मिथ को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के साइंटिस्ट ने डिबंक किया, आप खुद से सर्च करके पढ़ सकते हो। तो अगेन वापस आते हैं स्टोरी के फाइनल पार्ट में, दैट इज़ राइट ब्रदर्स पे, जो बचपन से फैसिनेटेड थे फ्लाइंग को लेकर, लेकिन ना ही ये इंजीनियर थे ना ही कभी कॉलेज गए। बट इनका प्रिंटिंग एंड बाइसिकल का बिजनेस था, इसीलिए इनका टेक्निकल नॉलेज काफ़ी अच्छा था डिज़ाइनिंग में। और क्योंकि एविएशन में इंटरेस्टेड थे, इसीलिए ऑटो लिलियनथल के वर्क से काफ़ी इंस्पायर्ड थे एंड उन्हें क्लोजली फॉलो करते थे। लेकिन 1896 में उनकी डेथ की खबर सुन के इनका फोकस शिफ्ट हुआ फ्लाइंग में, क्योंकि इन्हें प्रॉब्लम की वजह जाननी थी। और इसी चीज़ ने इन्हें एनकरेज किया और दोनों ब्रदर्स ने डिसाइड किया कि पास्ट जितने भी रिसर्च हुए हैं फ्लाइंग में उनकी वो डिटेल्ड स्टडी करेंगे और जो भी फंडामेंटल प्रॉब्लम है उससे फाइंड आउट करके सॉल्व करेंगे। तो उन्होंने रिसर्च करना शुरू किया। सून दे रिकग्नाइज कि एयरक्राफ्ट को सक्सेसफुली फ्लाई करने के लिए 3 ऑब्स्टेकल्स को ओवरकम करना ज़रूरी है। फर्स्ट था लिफ्ट, सेकेंड था कंट्रोल एंड बैलेंस, थर्ड था प्रोपल्शन। तो लिफ्ट एंड प्रोपल्शन का सॉल्यूशन ईजी था बिकॉज पास्ट रिसर्च का उनके पास रेफरेंस था। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज था अबिलिटी टू कंट्रोल इन 3 डायमेंशन, इसीलिए इसमें इन्होंने अपना मैक्सिमम टाइम डिवोट किया। और काफ़ी रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट के बाद
थ्री एक्सेस कंट्रोल सिस्टम डेवलप किया, दैट इज एलिवेटर फॉर कंट्रोलिंग पिच, विंड ट्विस्टिंग टेक्निक फॉर रोल कंट्रोल एंड रडर फॉर याव, और यही इनका मेन कॉन्ट्रीब्यूशन था। लेकिन इस कॉन्सेप्ट के पीछे भी एक अलग लॉन्ग स्टोरी है जो मैं फिलहाल कवर नहीं कर सकता, बट इन शॉर्ट इन्होंने फर्स्ट पावर्ड एयरप्लेन बिल्ड किया था विच इज़ हैवियर देन एयर, कैन बी कंट्रोल्ड इन थ्री डायमेंशन एंड केपेबल टू सस्टेन इन एयर विद अ पायलट ऑन बोर्ड। और ये कम्प्लीट सिस्टम एज अ होल एयरप्लेन के डेफिनेशन को जस्टिफाई करता है। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था, और ये बोला जा सकता है कि यहीं से इंटरनेशनल सिविल एविएशन का बर्थ हुआ, क्योंकि राइट ब्रदर्स इस सीक्रेट को पेटेंट करना चाहते थे फॉर कमर्शियल पर्पस। तो इस पार्ट में यहीं तक कवर करते हैं, एंड आगे की स्टोरी नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि राइट ब्रदर्स ने इसके बाद क्या किया और कैसे इंडिया में सिविल एविएशन का ग्रोथ हुआ। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे फिट, कीप लर्निंग एंड टेक केयर।